हेलो फ्रेंड्स, ट्यूलिप्स टिप्स फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बर्ड फीडर, क्योंकि गर्मियों का बहुत ही ज़्यादा सितम चल रहा है और पक्षियों को बचाना हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि ये प्रकृति के दिए हुए उपहार हैं। तो इस टाइम पे फसल भी बहुत कम होती है, पक्षियों को दाना पानी बहुत कम मिलता है। तो हम धर्मार्थ, या फिर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं और आपके पास गार्डन है, तो वहाँ शोर है कि पक्षी भी ज़रूर आते होंगे। तो उन पक्षियों की सेवा के लिए, या कह सकते हैं आपके गार्डन को सुंदर बनाने के लिए, जिससे कि पक्षी डेली आते रहें, हम एक बर्ड फीडर बनाएंगे। इसके लिए देखिए, ये बहुत ही मैं कहूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एक खाली बोतल ली है मैंने, आपके पास भी पानी की या ऑयल की किसी भी तरह की कोई खाली बोतल हो वो ले सकते हो। एक प्लेट ली है, बिल्कुल ख़राब सी थी, ये फेविकोल का जो ढक्कन होता है वो है। आप इसकी जगह और कोई दूसरी प्लेट हो उस टाइप की ले सकते हो। एक इसमें लेंगे स्क्रू, और एक ये लकड़ी का टुकड़ा लिया है, जो कि हमें आसानी से अपने घर पे ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दो छेद बनाएंगे गरम रोड की हेल्प से। ये हम यहाँ पे इस तरीके से कोई भी गरम रोड या चाकू लेकर के इस तरीके से हम दो या तीन होल बना सकते हैं। ये मैंने इसमें तीन होल बनाए हैं, ताकि इसमें से जो बर्ड्स के लिए जो इसमें दाने डालेंगे वो आराम से निकल सके। ये इस तरीके से हमने तीन होल बना लिए हैं। ऐसा ही एक होल हम हल्का सा कैप पे बनाएंगे स्क्रू की हेल्प से। तरीके से ये केप पे स्क्रू की हेल्प से ये होल बना लिया है। और एक होल हम बनाएंगे इसमें, ये देखिए ये मैंने बनाया, ताकि इसमें स्क्रू को हम आराम से कस सकें। इस तरीके से हमें होल बनाने हैं, एक होल इसमें, एक होल इसमें, और दो या तीन होल इसमें यहाँ बनाने हैं। आप चाहो तो ज़्यादा बना सकते हो, और दो होल बड़े यहाँ पे बनाएंगे ताकि हम वायर की हेल्प से इसको बांध सके। आप चाहो तो इसको GI वायर की सहायता से ऐसे भी हैंग कर सकते हो। थोड़ा बड़ा होल बनाना है बिल्कुल आमने सामने। इस होल के बिल्कुल सामने यहाँ इसमें एक और होल बनाना है, और थोड़ा चौड़ा बनाना है इसको, ताकि आराम से हैंग हो जाए अपना वायर। ये इसमें स्क्रू इसमें लगा के आप इस हॉल के अंदर इस स्क्रू को फिट करेंगे इस तरीके से। और ये जो अपने को सॉफ्ट लकड़ी का टुकड़ा लेना है, ताकि इसमें आराम से स्क्रू चला जाए। ये देखिए मैंने इसमें अभी हॉल किया हल्का सा, और यूं लेकर के ये अपना इसका स्टैंड अच्छे से तैयार हो गया है। और अब ये बोतल ली है, इसमें हम बर्ड्स के लिए दाने डालेंगे। ये हमने इसमें बर्ड्स के लिए दाने डाल दिए हैं। अब इसको यहाँ से इस कैप को इसके ऊपर लगा देंगे। अब इसको हैंग करने के लिए कोई भी वायर या रस्सी या सूतली की हम हेल्प लेंगे और इसको हैंग कर देंगे। इस तरीके से फ्रेंड हम ये बर्ड फीडर बना करके बर्ड्स को सेव कर सकते हैं, और कई तरह की जो अपने गार्डन में पक्षी आते हैं उनको रोके रख सकते हैं इस तरीके से। और जब भी पक्षी आएंगे दाने, इन जो ये यहाँ पे होल बनाए हैं, ये यहाँ से जो होल बनाए हैं इनमें से निकलते रहेंगे इस तरीके से। उनकी वो इसमें बीक भी डाल के निकाल सकते हैं। और थोड़े से आपको फ्रेंडली टिप बताऊंगी, थोड़े से दाने आप पहले बाहर डाल दें इसके अंदर, ताकि बर्ड्स को पता चल सके कि यहाँ पे ये दाने हैं। उसके बाद में वो अपने आप रेगुलर आने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।